तो देखिए, अब आज जो हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार नंबर 2। क्योंकि कल तक हम पहला मौलिक अधिकार पढ़ चुके, तो मौलिक अधिकार नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार। और इसके अंतर्गत हमें जो अनुच्छेद पढ़ने होते हैं ना स्टूडेंट, ध्यान से देखना है, 19 से लेकर 22 तक के अनुच्छेद हमें पढ़ने होंगे, ठीक है। अब क्या है कि सबसे पहले आर्टिकल 19 को समझना है। आर्टिकल 19 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अच्छी तरीके से समझ लेना है, यहां से प्रश्न बनते कई बार एग्जाम में। अब ये तो बात क्लियर है स्टूडेंट, इतना आप जानते होंगे कि अगर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, समझ रहे हैं, 19 से लेकर 22 तक, तो फिर सीधी सी बात है 19 से लेकर 22 तक में कहीं ना कहीं पर स्वतंत्रता की ही बात की गई होगी, ये तो क्लियर है एकदम। लेकिन बातें अलग अलग होंगी, हर स्टेप में अलग बातें होंगी, बस इतना। जैसा कि हम कल पढ़े राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, तो हमने देखा हम 14 से लेकर और 18 तक समानता की बातें पढ़ते रहे, लेकिन बातें अलग अलग तरीके से थी, ठीक है। तो ऐसे ही हमें इसमें पढ़ना है। सबसे पहले मैं 19 की बात करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अनुच्छेद 19 में कई सारी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई, सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि अनुच्छेद 19 जो है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, जो हमें प्रॉपर याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, इसे विशेष रूप से याद रखना। ये सीधा भी कई बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, यानी कि हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। अब वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है, स्टेप बाई स्टेप याद होना चाहिए, ठीक है, समझेंगे केवल, लिखाऊंगा मैं बाद में। तो पहला पॉइंट याद रखना है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, पहली जो स्वतंत्रता हमें दी गई है अनुच्छेद 19 फर्स्ट के तहत, ऐसा कह सकते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप अपना कोई भी मत है, अपना कोई भी विचार है वो रख सकते हो, अपना विचार बोल के भी रखा जा सकता है, अपना विचार किसी तख्ती पर कुछ लिख के भी रखा जा सकता है, जैसा कि आप देखते होंगे धरना प्रदर्शन वगैरह, नाच के भी रखा जा सकता है, नाच के, बहुत सी सिर के बाल मुंडवा में कहते हैं ना, देखे ना तुमने कि मुंडन करवा रहे हैं, तो ऐसे भी रखा जा सकता है, उसे कहते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि सबसे पहले अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहली स्वतंत्रता हमने देखा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और आप जानते होंगे इसी के अंतर्गत मालूम है क्या आता है, इसी के अंतर्गत आता है, आप देखेंगे प्रेस, ये जो प्रेस है, न्यूज चैनल वगैरह आ जाते हैं, न्यूज, समझ रहे हैं ना, ये किसके अंतर्गत आते हैं, 19 फर्स्ट, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, CPOSI के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन सीधा पूछा गया, और पूछा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो याद रखेंगे 19 का फर्स्ट, क्लियर। इसके साथ साथ अगर हम देखें, ये शानदार सा सवाल हो सकता है कभी, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में ये चीज क्लियर की थी, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, ये अच्छी तरीके से याद होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि हमारे नेशनल फ्लैग से संबंधित बात है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, ये भी हमारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, ये बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। कई बार आपसे सामान्य क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार हमारा कौन सा अधिकार है, तो पहले स्टेप में आप याद रखेंगे मौलिक अधिकार है, दूसरे में याद रखेंगे किसके अंतर्गत है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, उसमें भी किसके अंतर्गत आता है, उसमें आता वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार,
एक केस था नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, नाम याद रखना है, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की कभी परीक्षा में ये सवाल बनेगा। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने बात क्लियर की है जो आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार हमारा कौन सा अधिकार है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरा कौन सा अधिकार है 19 के तहत जो दिया गया है? निरायुक्त बैठक करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप बिना हथियारों के बैठक कर सकते हैं कहीं भी, आप देखते भी होंगे बैठक होती रहती है कई बार, तो निरायुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से बैठक करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दूसरी स्वतंत्रता है जो आपको याद रखनी है। तीसरी, अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि अपना संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि यूनियन एंड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्वतंत्रता, ये कौन सा अधिक कौन सी स्वतंत्रता है 19 की तीसरी स्वतंत्रता जो हमें याद रखनी है, और सारी स्टेप बाय स्टेप याद होनी चाहिए स्टूडेंट, तभी काम चल पाएगा। फिर चाहे एग्जाम आपका किसी भी स्तर का हो, अगर इतना क्लियर कर पाते हैं तो फिर कोई भी एग्जाम हो सामना, चाहे CAPF का हो, चाहे CPOSI का हो, चाहे UPSI का हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो पहले में हमने देखा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरे में देखा हमने कि निरायुक्त बैठक करने की स्वतंत्रता, यानी कि बिना हथियारों के बैठक करने की स्वतंत्रता भी हमको दी गई है। तीसरी स्वतंत्रता क्या है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्वतंत्रता भी हमको दी गई है, ठीक है। इसके बाद चौथी स्वतंत्रता कौन सी है कि भारत, संपूर्ण भारत में, भारत के किसी भी भाग में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी किसी भी समय जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं आप, समझ रहे हैं, यानी कि पूरे इंडिया में आप कहीं भी घूम सकते हो, बशर्ते पैसा जेब में होना चाहिए और रास्ता पूछने का दिमाग होना चाहिए किधर को जाना, बस दो चीज़ होनी चाहिए मेरे हिसाब से, रास्ता पूछना, पैसा जेब में होना चाहिए, पूरे इंडिया में कहीं भी घूमो। यानी कि 19 की 1, 2, 3, 4 चौथी स्वतंत्रता है कि जो हमें ये प्रदान करती है कि हम भारत में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, खुल के घूम फिर सकते हैं। अभी मन कर रहा है गोवा में घूमने का, तो गोवा में घूम लिया, समुद्र के किनारे वहाँ डोलते रहे हैं कई बार, हमारे यहाँ के ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि वहाँ जाते ना, यहाँ कुंडीन में ही घूमते रहे, समझ रहे हैं, तो एक अलग ही अनुभव सा होगा वहाँ जाके, यानी कि फीलिंग अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि यहाँ क्या है बम्बे में कूदते रहेंगे, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अब 2-4 ये स्विमिंग पूल वगैरह बन गए हैं तो इसमें नीले पीले से पानी में कूद लें थोड़ा सा, बाकी तो वहाँ जाके अलग ही एक अनुभव होएगा, ठीक है। इसके बाद अगली स्वतंत्रता है कि भारत के किसी भी भाग में बस जाने की स्वतंत्रता है आपके पास, आप भारत के किसी भी भाग में जो भारत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है वहाँ आप जाकर अपना मकान बना सकते हैं, आप जाकर रह सकते हैं वहाँ पे प्रॉपर तरीके से, वहाँ अपना जो है परिवार के साथ रहना शुरू कर सकते हैं। यानी कि ये जो स्वतंत्रता है 19 के अंतर्गत आती है, 19(5) के अंतर्गत, ठीक है। और अंतिम जो स्वतंत्रता है 19(6), भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, यानी कि वही बात जो मैं पहले से बताता रहा हूँ, कंप्लीट भारत, कोई भी भाग हो भारत का, बशर्ते वो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत आता हो, या वह वो भाग भारत के अंतर्गत आता हो, वहाँ जाकर आप व्यापार कर सकते हैं, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, समझ रहे हैं ना, आजीविका चलाने की स्वतंत्रता का मतलब वही होता है व्यापार करने की स्वतंत्रता। मेरा कहने का अर्थ ये है 19 को अगर आप सही तरीके से इस क्लास के माध्यम से सुन लिया ना, लाइफ में यहाँ से सवाल गलत नहीं होगा कभी भी। तो अभी हमने देखा 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता हमको दी गई है, तो एक तो सबसे पहले स्टेप में याद रखना 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी गई। मैं एक बार पुनः एक फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहली स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी स्वतंत्रता है निरायुक्त बैठक करने की स्वतंत्रता, यानी कि
बिना हथियारों के बैठक करने की स्वतंत्रता। तीसरी स्वतंत्रता है यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथी स्वतंत्रता है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप घूम फिर सकते हैं। पांचवी स्वतंत्रता है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप अपना मकान बना सकते हैं, वहां पर निवास कर सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं। और अंतिम स्वतंत्रता जो है 19 के, वो ये है कि आप जहां भी रह रहे हो वहां अपना आजीविका चला सकते हैं, अपना कोई रोजगार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। वो 19 के अंतर्गत ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखना है स्टूडेंट, ये जो आर्टिकल 19 है ये केवल भारतीयों के लिए प्राप्त है, ये हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। मैं 19 को एकदम डीपली कवर करा रहा हूँ, पहले ये चीज ध्यान से सुनना। कई बार एग्जाम में ऐसा सवाल बन सकता है कि 19 जो है सभी व्यक्तियों को प्राप्त है या केवल भारतीय व्यक्तियों को प्राप्त है, तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। सभी व्यक्तियों का मतलब हो जाता है, उसमें विदेशी भी आ जाते हैं। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। सभी व्यक्ति का अर्थ होता है उसमें विदेशी भी आ जाते हैं, और अगर पूछा भारतीय नागरिक का अर्थ होता है सिर्फ भारतीयों के लिए। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, ये 6 की 6 स्वतंत्रता केवल भारतीयों के लिए, भारतीय नागरिक के लिए, ये हमें याद होना चाहिए। क्लियर। अब ध्यान से सुनना है, क्या इन स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है सरकार के द्वारा? हाँ, ये याद रखना है, कुछ स्थिति में इन स्वतंत्रताओं पर रोक भी लगाई जा सकती है। कभी आप कई बार ये सोचें कि हमारा तो ये फंडामेंटल राइट है और हम तो जो है बाहर ही घूमेंगे, हम मान के चलो धारा 144 लग रही है भाई, सीधी सी बात है, तब कैसे करोगे? तो कुछ स्थिति में इन पर प्रतिबंध राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है। जरा वो स्थिति कौन कौन सी है बहुत ध्यान से सुनना, उसमें कुछ पॉइंट आपको याद रखने जो एग्जाम में पूछा जाएगा। एक तो संप्रभुता और अखंडता पर खतरा होने पर, तब 19 की और ये जितनी भी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आपको निर्बंधन किया जा सकता है, यानी रोक लगाई जा सकती है। दूसरे राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने पर भी इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सदाचार को देखते हुए, सदाचार को हित में, सदाचार को देखते हुए इस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है, समझ रहे हैं? तो कुछ ऐसे स्टेप हैं जो हमें याद रखना है जहां पर इस पर रोक लगाई जा सकती है। मैं क्यों इन बातों को बता रहा हूं, वहां एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से किस आधार पर अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। तो एक तो याद रखना है, मोस्टली जो याद रखना है, संप्रभुता पर खतरा आने पर, सदाचार पर खतरा आने पर, सदाचार को देखते हुए, न्यायालय की अवमानना करने पर यानी कि न्यायालय का निर्णय ना मानने पर, मानहानि, समझ रहे हैं? और इसके अलावा और भी एक दो पॉइंट हैं जिनको देखते हुए इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इतना समझ में आया? इसके अलावा क्या क्या याद रखना है 19 से, कि नेशनल इमरजेंसी, आपने नाम सुना होगा जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, समझ रहे हैं? आर्टिकल 352 के तहत जो लगता है, हम आगे कभी बात करेंगे। ये विशेष रूप से सुनना क्योंकि मैं पहले ही इस बात को क्लियर कर चुका हूँ कि अगर आप इस पूरे लेक्चर को ठीक तरीके से पढ़ लिए ना, तो आर्टिकल 19 कभी भी लाइफ में गलत नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है कि जब भारत में नेशनल इमरजेंसी लागू है, आर्टिकल 352, अगर भारत में आर्टिकल 352 लागू है यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, तो स्टूडेंट ये बात आप जानते होंगे, नहीं भी जानते तो ध्यान से सुनना कि अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है, यानी कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है। ये बात आपने पढ़ी भी होगी, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखनी है स्टूडेंट, अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता दो स्थितियों में समाप्त होंगी, स्वतः, और एक स्थिति में समाप्त नहीं होगी। ध्यान से सुनना,
यदि राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा है यदि राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी बाह्य आक्रमण के आधार पर लगी है यानी कि विदेशी आक्रमण के आधार पर अगर घोषणा इस तरीके से हुई है बहुत ध्यान से सुनना यदि नेशनल इमरजेंसी बाह्य आक्रमण के आधार पर लगी है घोषणा इस तरीके से हुई है तो आर्टिकल 1910 समाप्त हो जाएगा ये याद रखना। यदि आर्टिकल 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध के आधार पर हुई है तो भी आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप जानते होंगे तीसरे आधार पर और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है जिसका नाम है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह समझ रहे हैं, जिसको पहले आंतरिक अशांति के नाम से भी जाना जाता था। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा उसके आधार पर हुई है यानी कि 352 की घोषणा यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हुई है तो आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त नहीं होगा। बस मैं यही चीज बताना चाह रहा हूं जो मेन हिंट है, जो दरोगा लेवल के भी कभी एग्जाम में देखोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में सामने मिल सकते हैं वहां पे। तो मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है नेशनल इमरजेंसी जो होती है ना राष्ट्रीय आपातकाल को तीन आधारों पर लगाया जा सकता है युद्ध बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, अब इन तीनों में से दो आधार ऐसे हैं युद्ध और बाह्य आक्रमण। यदि इस आधार पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हुई है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर हुई है तो स्टूडेंट आर्टिकल 19 की जो स्वतंत्रता है वो स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ध्यान से सुनना ये बात। लेकिन अगर घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल की सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हुई है तो आर्टिकल 19 की जो स्वतंत्रता है स्वतः समाप्त नहीं होंगी। यानी कि इस बात से हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है तो अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता स्वतः समाप्त नहीं होती। यानी कि अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त नहीं होता, स्वतः समाप्त होता है तो सिर्फ दो स्थितियों में। कई बार स्टूडेंट ये पढ़ते हैं ना कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है, ये पढ़ते हैं, वो अपनी जगह सही है। लेकिन ये बात याद रखना हर स्थिति में नहीं, दो स्थिति में स्वतः समाप्त होता है, या तो युद्ध के आधार पर घोषणा हुई हो या बाह्य आक्रमण के आधार पर हुई हो। तब अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होती है घोषणा नेशनल इमरजेंसी की तो 19 की स्वतंत्रताएं हमारी समाप्त नहीं होंगी, ये बात याद रखना। इतना है 19 जो हमें जानकारी होनी चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।